मैं दो बातें आपको स्पष्ट करना, आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं से तो, और वरिष्ठ सदस्य अनुभव भी है। मुझे बार बार कह रहे हैं कि जस्टिस नहीं हो रहा, न्याय नहीं हो रहा। एक पार्लियामेंट का प्रोसीजर नियम प्रक्रिया बनी हुई है, नियम प्रक्रियाओं के तहत जो कमिटीज होती है उस कमिटीज के अंदर चर्चा होती है, एविडेंस होते हैं, पक्ष विपक्ष सुने जाते हैं, वो कमिटी का प्रोसीजर है। ये पार्लियामेंट में उस प्रोसीजर की पालना नहीं होती कि आप किसको बोलने का न्याय नहीं कर रहे हैं। यहां पर हम उस कमिटी के प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं, आप फिर समझे बात को। हम कमिटी के प्रस्ताव पर, ये चीजें होना चाहिए कमिटीज पर। कमिटी एक कमिटी न्यायालय की तरह काम करती है, सबके पक्ष सुनती है, करती है, लेकिन ये सदन न्यायालय की तरह काम नहीं करता। ये तो उस कमिटी के प्रस्ताव पर चर्चा कर रहा है। क्लियरिटी है ना इस बात पर? कोई कंफ्यूजन है? नो। देखो, मैं आपकी तरह विद्वान वकील नहीं हूं, लेकिन आपने मुझे अध्यक्ष चुना है तो मैं नियम के तहत बात कर रहा हूं, बिना नियम के बात नहीं कर रहा हूं मैं। आप देखिए, आप दो बड़े वकील हैं, जस्टिस है दो वकील, आप तीसरे वकील, आप वकील हैं तीनों, तीनों वकील एक बात बताइए कि ये समिति के अंदर ये सब चर्चाएं होनी चाहिए, ये हाउस में थोड़ी चर्चा होती है। गंभीरता इससे भी पता चलती है, टीएमसी के अपने सदस्य नहीं आए, प्लीज वो ही साथ में नहीं, आधे अधूरे, प्लीज। ये सब प्रोसीजर इथिक कमिटी हो, विशेषाधिकार कमिटी हो, अपनी जितनी भी कमिटियां हो, उन कमिटी प्रस्ताव करती है, उस प्रस्ताव पर सदन में चर्चा होती है। नो, आप उस पर सवाल उठा सकते हो ना, आप यहां पर ये नहीं कह सकते कि न्याय करो, ये तो उस प्रस्ताव पर चर्चा कर रही है। नो, गिरधारी यादव जी प्लीज, नो, आप उसको गलत तरीके से इस सदन को पेश कर रहे हो, ये सदन इसके लिए नहीं है। गिरधारी यादव जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, गिरधारी यादव जी।